न्यूज संवाददाता रितेश कुमार की खास रिपोर्ट। खंड चोलापुर ग्राम गढ़थोली जिसमें स्वयं सहायता समूह हर हफ्ते मीटिंग होता है, जिसमें 10 रुपए बचत करती हैं, महिलाओं को बहुत सारा फायदा मिलता है। बैंक के माध्यम से खाता खोलने पर 1500 का स्टार्टअप फंड दिया जाता है समूह। जब 3 महीना पुराना हो जाता है तब RF फंड, इसमें 15,000 फंड दिया जाता है। समूह 6 महीना पुराना हो जाता है तब उनको CIF 1,10,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, ताकि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, जिसमें वो आत्मनिर्भर बन सके। जीविकोपार्जन जैसे महिलाओं को काम दिया जाता है, जैसे मछली पालन, खेती, दुकान, बकरी पालन, पशुपालन इत्यादि कार्य करती हैं। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा समूह की महिलाओं को RF और CIF ऑनलाइन दिया गया है। सभी महिलाओं को जोड़ने का कार्य ब्लॉक मिशन प्रबंधक अनीता जी, पार्वती जी, सुमैया जी और रतन जी के द्वारा किया जाता है। रिपोर्टर रितेश कुमार की खास रिपोर्ट सरकार की तरफ से। और इसमें जो है कि बकरी उकड़ी का फार्म भरा हुआ है। अच्छा, अभी आया नहीं? अभी आया नहीं, आने वाला है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारा नाम संगीता है, हम राधा समूह सहायता से हैं, कोषाध्यक्ष हैं। हमारे हमको जो कि 2 लाख रुपए का मिला, और चिंगा मिला, चारा मिला, और हमको राशन बांटने के हमको समझ में नहीं आया, इसलिए हम राशन वाला योजना नहीं ले पाए। किस समूह से हैं? हम राधा आजीविका समूह सहायता से हैं। आजीविका स्वर सहायता समूह से। तो इसमें चिंगना उना भी आया था? हाँ, चिंगना आया था, चारा मिला था। अच्छा। और पैसा आया खाता में 2,20,000, 15,000 आया। अच्छा। और राशन का भी आया था योजना, लेकिन अच्छा, इसमें क्या मतलब फायदा है इसमें आप लोग का? जैसे मतलब पैसा जमा करती है तो उसे क्या फूल मिलता है? हम लोग को बहुत फायदा है, ब्याज मिल रहा है। अच्छा। और जो कि मुर्गी तो मिला था, लेकिन हम लोग बच्चे नहीं। अच्छा अच्छा। लेकिन ये जो राशन बांटने वाला आया था तो हम लोग को समझ में नहीं आया, इसलिए। अच्छा, ये जो पैसा ब्याज पे बांटते हैं, 1% ब्याज मिल लेती है आप लोग? जैसे हम लोग के समूह वाले लोग को तो 2 रुपया है, और बाहरी लोग को देंगे तो 5% है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो 5% आपको ब्याज मिलता है। तो इसमें आप लोग जब पूरा हो जाता तो कस साल का होता है ये? जैसे 6 महीने के अंदर वापस करना है, लेन देन करना है, लेकिन यहाँ जो ले रहे हैं वो बोल रहे हैं कि